हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पी। वेलकम बैक टू माय चैनल द वे जी रसोई। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूं मैकडोनाल्ड स्टाइल चटपटा आलू टिक्की नान, वो भी विद और विदाउट ग्रिलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले नान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए एक कप मैदा और ऑल पर्पज फ्लावर, ग्राम्स में ये 125 ग्राम है, एक टीस्पून पिसी हुई चीनी और पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया बेकिंग सोडा, उसके बाद 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दही। दही को हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो इस डो को बनाने में 1/2 कप से ज़्यादा भी दही लग सकता है और 1/2 कप से कम, तो दही को धीरे धीरे करके ही ऐड करना है और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल ऐड करने से डो हाथों में चिपकेगा नहीं और ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो अच्छे से स्मूथ करने के बाद हमें इसे रेस्ट करने के लिए लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए रख देना है। तो जब तक ये डो रेडी होगा तब तक हम बना लेते हैं टिक्की। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टीस्पून ऑयल। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाए उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन्हें अच्छे से सौते कर लेना है जब तक कि जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल नहीं चली जाती। अब मैंने यहाँ पर लिए 1/4 कप फ्रोजन ग्रीन पीस, और साथ में ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप ही स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब 1 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चावल का आटा और राइस फ्लावर। चावल का आटा ऐड करने से टिक्की की बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, और कभी कभी आलू में जो मॉइस्चर होता है वो भी चावल का आटा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, जिससे कि चावल के आटे की रॉ स्मेल निकल जाए। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 उबले हुए आलू। आलू को मैंने मीडियम साइज़ में लिया है। उसके बाद हमें आलू को इस तरीके से क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हरी चटनी। इस हरी चटनी को बनाने के लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा और नमक का यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ग्रीन चटनी को ऐड किया है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें मैशर की हेल्प से सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर देना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। ये आलू का मैश टिक्की बनाने के लिए अभी एकदम तैयार है, बस हमें इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा हो जाने देना है अच्छे से। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही हम टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी आलू का मैश एकदम ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर टिक्की। तो टिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैश ले लेना है और हाथों की हेल्प से इस तरीके से इसे बाइंड कर लेना है। बाइंड करने के बाद इस तरीके से अंगूठे और फिंगर के बीच में रखकर इसे हमें एकदम गोल शेप दे देनी है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। अब मैं आपको एक टिक्की और बनाकर दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा मैश लेकर हाथों की हेल्प से मैश को अच्छे से बाइंड कर लें और गोल शेप देकर अंगूठे और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से टिक्की की शेप दे दें। तो इसी तरीके से हमें सभी टिक्की बनाकर तैयार कर लेनी है। तो अभी यहाँ पर सभी टिक्कियाँ बनकर एकदम रेडी हैं। अब एक बाउल में मैंने 1/4 कप चावल का आटा और 1/4 कप मैदा ली है। इसे पानी से घोलकर हमें एक पतला बैटर बनाकर तैयार करना है। आप चाहो तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का भी यूज कर सकते हो। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की रखनी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बैटर बनकर एकदम तैयार है। अब इन टिक्कियों को हमें इस बैटर में पहले डिप करना है, उसके बाद हमें ब्रेड क्रम से इन टिक्कियों को कोट कर लेना है, तभी ये टिक्कियाँ एकदम मैकडोनाल्ड स्टाइल क्रंची क्रिस्पी बनेंगी। तो इस प्रोसेस को मैं 1 टिक्की पर 2 टाइम्स करूँगी, मतलब 1 टिक्की को पहले बैटर में भिगोऊंगी, फिर ब्रेड क्रम से कोट करूँगी, उसके बाद फिर से बैटर में भिगोऊंगी और फिर से ब्रेड क्रम में कोट करूँगी। ऐसा करने से ये टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनती हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स की जगह कॉर्नफ्लेक्स का भी यूज कर सकते हो। इन टिक्कियों को आप फ्रिज में 2 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इन्हें पहले से बना कर रख सकते हो और बाद में डायरेक्टली फ्राई करके सर्व कर सकते हो। अब हम चेक कर लेते हैं डो को। तो डो को हमें एक बार फिर से 1/2 मिनट के लिए अच्छे से नीड कर लेना है।
तो और उसके बाद इस तरीके की छोटी छोटी सी लोई लेकर हमें नान बनाकर तैयार करना है। इसे अच्छे से मैदा में कोट करके हमें इसे बेल लेना है। नान का साइज हमें सिर्फ उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि इसमें टिक्की अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इसकी शेप और साइज अभी एकदम परफेक्ट है। अब इसे सेकने के लिए हमें इस पर कोई पानी नहीं लगाना है, इसे डायरेक्टली हमें तवे पर डाल देना है। इसे हम आयरन वाले या नॉन स्टिक किसी भी पैन पर सेक सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पर हमें मीडियम ही रखना है और हल्का सा एक तरफ सिक जाने के बाद इसे पलट देना है। हमें इसे सिर्फ उतना ही सेकना है जिससे कि मैदा की रॉय स्मेल निकल जाए। तो यहाँ पर ये अभी सेक कर एकदम तैयार है। तो इस तरीके से ही हमें सारे नान बनाकर तैयार कर लेने हैं। नान बनाते टाइम हमें सिर्फ ध्यान यही रखना है कि इसे हाई फ्लेम पर नहीं डालना है, फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और सिर्फ तब तक ही सेकना है जब तक कि मैदा की रॉय स्मेल नहीं चली जाती। सभी नान को आप पहले से बनाकर तैयार कर सकते हो, बट अच्छे से जैसे ही नान ठंडे हो जाए उसके बाद इन्हें कॉटन क्लॉथ से ढक देना है जिससे ये नान ड्राई ना हो। तो ये नान बनकर अभी एकदम तैयार है। अब हम टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है और टिक्कियों को डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया है। डीप फ्राई करते टाइम हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। होल प्रोसेस में हमें टिक्कियों को मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में ही सेकना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है। लो फ्लेम पर सेकने से टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं और इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा भी भर जाएगा। तो इन टिक्कियों को सेकने में मुझे यहाँ पर पूरे 5 मिनट लगे हैं। तो ये टिक्कियाँ भी एकदम सेक कर तैयार हैं। तो टिक्की भी तैयार है, नान भी बनकर एकदम तैयार है। बस हमें बनाने लिए अपनी एक सॉस। तो यहाँ पर मैंने लिए 1/4 कप मेयोनीज, उसमें मैंने ऐड किए 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी सॉस एकदम तैयार है। अब हमें बस सभी चीज़ों को अच्छे से असेंबल करना है और ये आलू टिक्की नान एकदम बनकर रेडी है। तो पहले मैंने नान पर अच्छे तरीके से ये सॉस लगा दी है, उसके बाद टिक्कियों को रख देना है। उसके बाद थोड़ी सी हमें कटे हुए स्लाइस्ड अनियन ले लेने हैं इस तरीके से और इन्हें रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं ले रही हूँ यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया और बस नान को हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब हमें इन्हें बस सैंडविच मेकर में थोड़ी देर के लिए सेक लेना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इन्हें तवे पर भी सेक सकते हो। इस रेसिपी में मैंने सैंडविच मेकर और तवे दोनों पर सेक कर दिखाया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बटर डालकर नान को रख दें, उसके बाद फिर से थोड़ा सा बटर डालकर इसे बंद कर दें और लगभग आधे से एक मिनट के लिए जैसा भी आपको कलर इस पर चाहिए या जितना भी आपको क्रिस्पी करना है उस हिसाब से इसे सेक लेना है। तो यहाँ पर ये आलू टिक्की नान बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हो ये देखने में कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है। उसके बाद अब मैं इसे सेक रही हूँ तवे पर। तो तवे पर सेकने के लिए भी थोड़ा सा बटर डालकर इसे रख दें और एक साइड सेकने के बाद दूसरी साइड पलटकर इसे अच्छे से सेक लें। तवे पर सेकने के बाद भी ये उतना ही टेस्टी बनेगा जितना कि ये सैंडविच मेकर में बना है। तो यहाँ पर ये सेक कर अभी एकदम तैयार है। तो अगर आपके पास ग्रिलर या सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसे तवे पर भी सेक सकते हो। तवे पर सेकने पर भी ये उतना ही टेस्टी बनेगा जितना कि ये सैंडविच मेकर में बनता है। गिव अ ट्राई टू दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ इट केम आउट फॉर यू। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।